children i hope that you are very safe at your homes today i will explain you a poem a very beautiful poem that is growing up it is written by harry wen who was a very famous poet of यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्पेशली ही रॉट सो मेनी स्टोरीज एंड पोएस ऑन चिल्ड्रेन एंड ही ऑल्सो लव्ड द नेचुरल लाइफ द फॉरेस्ट लाइफ चिल्ड्रेन आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रोइंग अप बच्चे आप जानते हो हम लोग बड़े होते हैं बड़े होने के साथ साथ बहुत कुछ हम लोगों का चारों ओर जो एनवायरमेंट है वो बदलते रहता है आप भी देखे होंगे आप जब बहुत छोटे थे आपके सराउंडिंग कैसा था दिन बदलते के साथ हम अपना सराउंडिंग में भी एक बदलाव देखते हैं हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं विकास कर रहे हैं साथ साथ में प्रकृति का विनाश भी कर रहे हैं इस पॉइंप में बहुत सुंदरता के साथ Kovine. the poet harry Wen points upon such thing that beside our development we also rapidly lost our natural beauty

पोएम से टाइगर्स का क्या रिश्ता है बहुत ही सुंदर सा एक रिश्ता है इस पैम में टाइगर्स के बारे में भी कहा गया है हम आते हैं आप पैम की ओर आप सभी मिलकर इस पैम को एंजॉय करेंगे और सोचेंगे पोएट ने क्या कहना चाहा

पिकनिक जाते हो विंटर सीजन में पॉइंट भी जब सात साल का बच्चा था अपने और साथियों के साथ और क्लासमेट्स के साथ पिकनिक में जाते थे घूमने जाते थे और नेचुरल प्लेस में जाते थे कोई फॉरेस्ट में जाते थे अक्सर हम लोग भी पिकनिक टूर में ऐसा ही नेचुरल स्पॉट को सेलेक्ट करते हैं ताकि शहर में रहते रहते हम सिटी लाइफ में बोरिंग हो जाते हैं और कुछ समय के लिए नेचर के साथ समय बिताना पसंद करते हैं पॉइट भी ऐसे ही करते थे आई न्यू देअर ट्राइगर्स बिहाइंड एवरी वल्डर्स उस समय की बात है जब पॉइट बहुत छोटा सा था सात साल के बच्चा था तब कहते हैं चारों ओर जंगल था और बड़ा बड़ा पत्थर था बोल्डर्स बड़ा बड़ा पत्थर के पीछे बाघ छुपा हुआ रहता था मतलब इतना नेचुरल था हमारे देश में भी काफ़ी संख्या में काफ़ी संख्या में बाघ हुआ करते थे ब्रिटिश राज में हजारों बाघों को मारा गया बाघ मारना ब्रिटिश अपने को शान समझते थे राजा महाराजाओं के समय में भी बाघों का हत्या हुई आज टाइगर्स हमारे लिए एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते जा रहे हैं इन एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं खतरे में है ऐसे जानवर जिसे बचाना बहुत जरूरी है आप देखे होंगे भारत में कई जगह में ऐसा टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है जहां बाघों को कन्ज़र्व किया जाता है उसे सुरक्षा दिया जाता है ओके स्टूडेंट्स नाउ द पॉएम दाओ आई डिडेंट मीट वन फेस टू फेस पोइट कहते हैं फिर भी मैंने कोई भी बाघों से कोई भी बाघ से फेस टू फेस मुलाकात नहीं की लेकिन मैं जानता था इस जंगल में पत्थर के पीछे बाघ ज़रूर है क्योंकि ऐसा उस समय में नेचर था और फॉरेस्ट था काफ़ी फॉरेस्ट था काफ़ी पत्थर था पहाड़ था जहाँ पॉइट जाया करते थे पिकनिक मनाने के लिए नाउ सी दैट इन द पॉइम वेन आई वॉज ओल्डर वी वेंट फॉर ए पिकनिक जब पॉइट आप बड़े हो गए बड़े होने के साथ साथ कभी उनको भी मन हुआ मैं बचपन में जहाँ जाया करते थे क्यों नहीं फिर से मैं उस जगह में फिर से घूमने जाऊँ पॉइट कहते हैं अब मैं ओल्डर हो गया हूँ वी वेंट फॉर ए पिकनिक टू द वेरी सेम प्लेस एज बिफोर हम लोगों ने फिर से वही जगह गए जब कभी जब पोएटा बड़े हो गए तब फिर से उस जगह में घूमने के लिए जाते हैं ठीक वही जगह लेकिन क्या देखते हैं एंड ऑल ऑफ द ट्रीज एंड द रॉक्स वेर सो लिटिल देखो पॉयम में एक कितना सुंदर से लिखे हैं बोल रहे हैं क्या उस जंगल में जाकर पॉइट देखते हैं बड़े बड़े ट्रीज आप नहीं हैं समय के साथ साथ और बड़ा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है उल्टा हो गया है एंड ऑल द ट्रीज एंड द रॉक्स वेर सो लिटिल अब वो सब छोटा हो गया है मतलब क्या दैट इज़ द डिफोरेस्टेशन इफेक्ट ऑफ द डिफॉरस्टेशन जंगल की कटाई हो गई हम डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को भी डिस्ट्रक्शन करते हैं यही पॉइंट ने बताया चारों ओर जंगल अब छोटा पड़ गया है अब ऐसा ही बड़ा बड़ा रॉक्स नहीं है अब सभी पत्थर छोटा छोटा लग रहा है मतलब इस पहाड़ को काट के लोगों ने रास्ता बना लिया होगा पहाड़ को हटा कर लोगों ने घर बना लिया होगा जंगल की कटाई हो गई आप सब छोटा पड़ गए समय के साथ नेचर हमारे लिए छोटा होने जा रहा है कम पड़ने जा रहा है द कूडेंट हाइट टाइगर्स पॉइंट कहते हैं बाक तो क्या मुझे भी छुपने का जगह नहीं है इस जंगल में इस पत्थर के पीछे मतलब सभी इतना छोटा हो गए जे पॉइंट को भी छुपा नहीं सकता मीन्स दैट नाउ द नेचर बिकम्स शॉर्टर स्मॉलर in respect of the development that the poet points out so that students i hope that you understood the poem and the view of the poem view of the poet is so clear to you now Okay students, bye.